अमेरिका के पास अब अफगानिस्तान में या यूं कहे काबुल में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। काबुल में फंसे लोगों के पास अब सिर्फ 24 घंटे बाकी है। वहां जारी रेस्क्यू मिशन के लिए यह केवल एक दिन का वक्त बचा है। प्रश्न यह उठता है, क्या यह वक्त काफी है? क्या बाकी बचे लोग इतने कम समय में अफगानिस्तान छोड़ने वालों का जो ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा? यह लाख टके का सवाल इसलिए भी है क्योंकि तालिबान अपने रुख पर पूरी तरह से कायम है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि 24 घंटों में अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाना ही अमेरिका के लिए समझदारी है। अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं, सवाल सुलगते जा रहे हैं, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, कितनी शांति होगी, कितना आतंक, ऐसे कई सवाल जिनके जवाब मिलेंगे 31 अगस्त की आधी रात के बाद। 31 अगस्त, ये वो तारीख है जो डेडलाइन है अमेरिका के लिए। ये वो तारीख है जिसकी बार बार तालिबान याद दिला रहा है। उसने अमेरिका को बता दिया है कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करो वरना अंजाम बुरा होगा। तो क्या अमेरिका अपना मिशन पूरा कर पाएगा? 20 साल से अफगानिस्तान में जमे अमेरिका के लिए ये काम आसान नहीं, लेकिन मुश्किल ही सही, इसे मुमकिन बनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक अमेरिका और अन्य देशों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने अफगान एम्बेसी को खाली करा लिया है, लेकिन अभी भी करीब 300 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही करीब 4,000 जवान काबुल में अभी स्थिति संभालने में जुटे हैं। ये अमेरिका का हाल है जिसके सामने 31 अगस्त की डेडलाइन है। अन्य देशों ने भी पूरे दमखम से बीते दिनों में अभियान चलाए और अपने नागरिकों जवानों को काबुल से बाहर निकाला। ब्रिटेन का मिशन पूरा हो चुका है, फ्रांस का अभियान भी समाप्त हो चुका है, इटली भी काबुल से आखिरी उड़ान भर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के करीब 50 नागरिक अभी फंसे हुए हैं, वहीं कई भारतीयों के साथ साथ अफगान, सिख और हिंदू भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं। तो क्या 31 अगस्त तक सभी काबुल से निकाल लिए जाएंगे या फिर दुनिया से रिश्ते सुधारने की दुहाई देने वाला तालिबान दरिया दिली दिखाएगा? باور ما این است که امریکایی ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنند، به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان میخواهند و از بریتانیا باشه از امریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت میبردند. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شود و افغان ها حس استقلالیت بکنند، تمام مسائل خودشان حل کرده میتوانند. तालिबान लम्हों की याद दिला रहा है, अमेरिका अपने दुश्मन को तलाश रहा है। 26 अगस्त को सीरियल धमाके में 13 जवानों को गंवाने के बाद अमेरिका ने बदला लेने का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन पूरी फिल्म कब दिखेगी और 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद अमेरिका क्या करेगा, ये अहम सवाल है। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. काबुल एयरपोर्ट को टारगेट कर दागे गए 5 रॉकेट भी इशारा हैं कि यहां टिक पाना आग से खेलना है। ऑप्शन ये बचता है कि अमेरिका तय वक्त पर काबुल छोड़े या फिर पूरी ताकत के साथ
دہشت گردوں کے خلاف اترے, جس کے لیے طالبان راضی نہیں. یعنی صاف ہے کہ افغانیوں کے لیے آگے کی راہ مشکل بھری ہے. دلی سے گیتا موہن کے ساتھ آج تک بیورو. اور اس سمے سب سے بڑا پرشن یہی ہے, کیا ہوگا 24 گھنٹے میں؟ کیا 24 گھنٹے میں امریکہ اپنے سبھی ناگرکوں کو نکال پائے گا؟ اور وشو کے دوسرے دیش جو یہ پریاس کر رہے ہیں. گیتا موہن میری سہیوگی ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے جڑ رہی ہیں, ہم گیتا سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جنرل وید ملک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, پورو تھل سینا ادھیکش ہے آپ. کارگل کی لڑائی کے سمے جب بھارت کو جیت ملی تھی تب آپ تھل سینا ادھیکش تھے. جنرل ملک سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ کیا استھتی وہی 20 سال پرانی ہونے والی ہے, اس پر چرچا کریں گے. لیکن گیتا, سب سے پہلے امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ 300 لوگ وہاں پر بچے ہیں, ان کو نکالنا ہے. کیا یہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے کل رات 12 بجے تک, یا امریکہ کا پریاس یہ ہوگا کہ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ اپنے سبھی یاتریوں کو لے کر, اپنے سبھی لوگوں کو لے کر, 4,000 سپاہیوں کو لے کر نکل جائے, ایک رات اور اسے نہ بتانی پڑے افغانستان میں؟ گورو, چاہتا امریکہ یہی ہے کہ جلد سے جلد جتنے سویلینز ہیں ان کو نکال دیا جائے, کیونکہ کل کابل ایئرپورٹ میں یو ایس فورسز نہیں ہوں گے. کل کے بعد, کل لاسٹ ڈے ہے, کل وہ ریپ اپ کر رہے ہوں گے. تو یہ بس ایک فورن ایک کنٹری کے نیشنلز کی بات نہیں ہے, جتنے بھی وہاں پہ فورن نیشنلز ہیں ان کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی کنسرن ہے. لیکن آج ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالا ہے, یو ایس اور 100 انیہ دیش ہیں جنہوں نے مل کر اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہیں طالبان نے ایشورنس دیا ہے کہ انہیں سیف پیسج ملے گا ان کے نیشنلز کو کابل ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے. لیکن اگر کابل ایئرپورٹ جو ابھی تک ایک فورٹریس کی طرح تھا, وہاں پر اگر ملٹری, یو ایس ملٹری نہیں رہی اور فورن نیشنلز ابھی بھی افغانستان میں ہیں, تو بہت سارے سیکیورٹی سیناریوز اور سچویشنز ہیں جس سے باقی دیشوں کو بھی اور امریکہ کو بھی جوجھنا پڑ سکتا ہے. لیکن ابھی طالبان یہی کہہ رہا ہے کہ 31 اگست ڈیڈ لائن یو ایس ٹروپس کے نکلنے کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں. اس کے بعد بھی جو جو افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. فورن نیشنلز تو ظاہر سی بات ہے انہیں جانے دینا ہی ہوگا, لیکن افغانس کو جانے دیا جائے گا یا نہیں وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم جب افغانس کی بات کرتے ہیں, یہ وہ افغانس نہیں ہے جو طالبان سپورٹرز تھے, یہ وہ افغانس ہے جن کا زندگی اور موت کا سوال ہے. کیونکہ اگر وہ وہاں رہ گئے, ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. بالکل. اور کیا طالبان کے لیے ان کی زندگی کوئی معنی رکھتی بھی ہے؟ جس طرح سے چن چن کر خبریں جس طرح کی آ رہی ہیں, چن چن کر ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو امریکہ اور ودیشی طاقتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے یا افغانستان کی سینا میں تھے. جنرل ملک, طالبان نے دو ٹوک امریکہ کو کہہ دیا کہ 31 اگست تک نکل جانے میں سمجھداری ہے. جنرل ملک, کیا یہ طالبان کی امریکہ کو دھمکی ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے 31 اگست کی, اور اس کو امریکہ نے بھی مان لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ امریکہ ابھی طالبان کے ساتھ میں کنٹینیوس بات چیت کر رہا ہے, اسی نے سمجھوتا کیا ہے طالبان کے ساتھ میں, تو اگر کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس میں کوئی خاص خلل نہیں ڈالے گا, اور وہ امریکہ کی مدد کرے گا. باقی ان کے جو جوان ہیں یا ان کے فورسز ہیں ان کو, یا ان کے کوئی اور امریکن ہیں پھنسے ہوئے, ان کو نکالنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہوگی دونوں طرف سے کہ 31 اگست تک یہ سب چلے جائیں, امریکن سب چلے جائیں. لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ خلل ڈالیں گے طالبان, اور وہاں پر کوئی خون خرابہ ہوگا اس کے لیے. جنرل ملک, لیکن طالبان تو کئی بار اس طرح بھی, کیا اس بات میں سچائی ہے کہ چاہے نام ہو اسلامک سٹیٹ خراسان کا کہ یہ آتنکی حملہ ISIS K نے کیا, لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ حقانی نیٹورک کے بے حد قریب ہے, چاہے وہ ISIS K کے لڑاکے ہو, چاہے وہ ننگرہار پروونس میں ہو, لیکن وہ ایف پیک بارڈر سے مدد انہیں پاکستان سے ہی مل رہی ہے. تو کیا یہ ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے کہ امریکہ کے سپاہی, 13 سپاہی امریکہ کے شہید ہو گئے اور آج بھی راکٹ حملہ ہوا, کہ امریکہ پر لگاتار دباؤ ڈالا جائے, یا امریکہ سے کچھ لینے کی منشا ہے یہ طالبان کی؟
वो भी पॉसिबल डबल टॉक वो भी हम लोग उसको रूल आउट नहीं कर सकते, पर गौरव लेट्स सी द सिचुएशन जो आज एग्जिस्ट कर रही है वहां पर। पहली बात तो ये है कि तालिबान का नियर टोटल कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर और काबुल के ऊपर भी नियर टोटल, और उनके पास उस वक्त इतनी ताकत बढ़ गई है खासकर अमेरिकन हथियारों की वजह से कि वो लोग जल्द ही बाकी जगह के ऊपर भी पूरा कब्जा कर लेंगे। बनशीर में जो है वहां पर भी बातचीत चल रही है, तो इस वक्त काफी से हद से ज्यादा उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया भी देख रही है। दूसरी हालत ये है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान ये सब उनके साथ में अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनके साथ में चल रहा है, और मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन की भी बातचीत तालिबान के साथ में चल रही है। अभी जो अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल की बात है, मैं समझता हूं कि उस बातचीत के बाद में हो सकता है कि कुछ क्रेडिबिलिटी और भी उनको भी चाहिए, तालिबान को भी क्रेडिबिलिटी चाहिए, तो वो अमेरिकन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे बल्कि अमेरिकन की मदद करेंगे अगर कोई और ऐसा ISK या कोई खुरासान का या कोई और हकानी ग्रुप का उनको अपोज करता है, तो ये मिलके भी काम कर सकते हैं। तो इस ऐसी हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो और खून खराबा होने देंगे खासकर अमेरिकन का। ठीक, क्योंकि ये खून खराबे की खबर तो लगभग रोज आ रही है। गीता मेरी सहयोगी भी हमारे साथ है। गीता, हम पता ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने देशों के कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जिनको निकालना है। ब्रिटेन का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, ब्रिटेन के विपक्ष के लोग उनकी सरकार को बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि वो सबको नहीं निकाल पाए समय रहते या उचित तरीके से, खासतौर पर अपने मित्रों को। यही बात जर्मनी के लिए भी कही जा रही है। ये बताइए गीता, भारत के कितने लोग वहां फंसे हैं, उन्हें कैसे निकाला जाएगा? देखिए, भारत के गौरव केवल 20 रजिस्टर्ड इंडियन हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिनको नहीं ला पाए। अगस्त 25 को एक C-17 ट्रेन गई थी काबुल, और उसमें ये लास्ट बैच इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिख्स हैं 140 लोग, उनको पहुंचना था, लेकिन लेके वापस बस 40 लोगों को आ पाए, क्योंकि ये 20 लोग और 140 अफगान हिंदू और सिख नहीं पहुंच पाए थे एयरपोर्ट। तो उसके बाद आपने देखा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर टेररिस्ट अटैक हो गया है। आज कल रिटेलिएटरी अटैक्स हुए थे काबुल एयरपोर्ट के आसपास अमेरिकन। तो इसीलिए माहौल इतना गंभीर है कि इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। जब पहुंचाने का बंदोबस्त हो जाएगा तब यहां से प्लेन जाएगा और इन लोगों को लेके आएंगे। लेकिन 20 इंडियन थे जो अभी भी अफगानिस्तान में है। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ और इंडियंस हैं, बहुत ही कम नंबर्स में होंगे, लेकिन वो आना नहीं चाहते अभी वापस, तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। लेकिन आने वाले 20 हैं, और आप सही कह रहे हैं, बाकी देशों को जितना क्रिटिसिज्म जर्मनी और ब्रिटेन को सहना पड़ रहा है, भारत सरकार को उतना क्रिटिसिज्म इवैक्यूएशन में नहीं सहना पड़ा, क्योंकि हमारे भी लोग थे वहां पर, लेकिन भारत काफी सक्सेसफुली निकाल पाया। इनफैक्ट जर्मन एम्बेसी को तो अपने डिप्लोमैट्स निकालने में बहुत मुश्किलें आई थी। एक समय ऐसा था जब वो बस 7 डिप्लोमैट्स को निकाल पाए थे। अब जर्मन एम्बेसी में नहीं है लोग, लेकिन जर्मन बहुत हैं, तो उनको निकालना अब 31 अगस्त के बाद कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट होंगे तालिबान के साथ, क्या बहुत ही संवेदनशील मुद्दा इस समय बना हुआ है। और अफगानिस्तान में 20 साल की मौजूदगी के बाद अब अमेरिका निकलने के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते जो सदमा अमेरिका को लगा है वो दुखदाई है। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अपने 13 सैनिकों को अमेरिका ने गंवा दिया। अब उन जवानों की मौत पर पूरे अमेरिका में शोक है। अमेरिका 20 साल तक चली अपनी सबसे लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान को किस अराजक हाल में छोड़कर जा रहा है, ये उसी की तस्वीर है। काबुल धमाकों से दहल रहा है,
तो हजारों मील दूर अमेरिका के डेलावेयर में डोवर एयरफोर्स बेस पर उन अमेरिकी सैनिकों के शव उतारे जा रहे थे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट धमाके में अपनी जान गंवा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडन इन सैनिकों को आखिरी सलाम करने के लिए खुद एयरफोर्स बेस पर मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, उनमें से 5 महज 20 साल के थे, यानी जब 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो ये दूध मुहे बच्चे रहे होंगे और जवानी की दहलीज पार करते ही ताबूत में बंद हो गए। अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध के अराजकता भरे आखिरी अध्याय के साथ ही इनकी जिंदगी का भी पटाक्षेप हो गया। अफगानिस्तान से जाते जाते मची उस अराजक ने इनकी जान ले ली जिसका जिम्मेदार अमेरिका को ही ठहराया जा रहा है। जो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इन सैनिकों की मौत के बाद वो कितने राजनीतिक दबाव में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन सैनिकों की पहचान पहले नहीं बताई थी, मगर जैसे जैसे इनके घर वालों को खबर की गई वैसे वैसे इनकी वो कहानियां सामने आईं जो कलेजे को चीर कर रख देती हैं। लांस कॉर्पोरेल करीम निकोई 20 साल के थे जिन्होंने मौत के एक दिन पहले अपने घर एक वीडियो भेजा था जिसमें वो अफगानी बच्चों को टॉफी देते दिख रहे थे। 22 साल के हंटर लोपेस की माँ और पिता दोनों ही पुलिस अधिकारी हैं। हंटर की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कलेजे को छलनी करने वाला दर्द रायली मैककलम के परिवार का है। शादीशुदा रायली 3 हफ्ते बाद पिता बनने वाले थे। रायली के पिता कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी हैं। कुश्ती के साथ ही रायली बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे। बाइडन ने दावे तो किए कि वो काबुल एयरपोर्ट के हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, मगर सवाल यही है कि क्या उससे इनकी जिंदगी लौट आएगी या अगर मौत सिर्फ अफगानियों की होती तो वो आतंकियों को बख्श देते। President will stop at nothing to make ISIS-K pay for the deaths of those American service members at the Kabul airport. He will ensure that we get the people responsible for this. Biden ne America ke shahidon ko shraddhanjali di aur rawana ho gaye. America mein gham aur gussa hai. Wahi Kabul mein maujood qareeb 4000 American sainikon ke liye aakhri 24 ghante aasan nahi hain. Pal pal unki jaan par khatra barqarar hai. और बाइडेन को भी हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा होगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सैनिक कल काबुल छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले काबुल की जो तस्वीर सामने आ रही है वो अराजकता की एक नई दास्ता है। बीते 5 दिनों में 2 आतंकी हमलों से काबुल बुरी तरह से थर्रा गया है। करीब 200 लोगों की जाने जा चुकी है। आज सवेरे भी काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, लेकिन गनीमत यह रही कि तबाही से पहले जो एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसने 5 रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। धू धू कर जलती सड़क किनारे खड़ी कार, बर्निंग कार का ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का है जहां आज सुबह फिर रॉकेट हमले से खलबली मच गई है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ धू-धू कर चलती कार और दूसरी तरफ जलकर राख हुई कार। रविवार शाम हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक के बाद एक कई रॉकेट के धमाकों से काबुल शहर हिल गया। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सोमवार सुबह काबुल शहर के खैरखाना इलाके से ये रॉकेट दागे गए। इनके निशाने पर था काबुल एयरपोर्ट जहां अब भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि ये रॉकेट काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम इन पर टूट पड़ा। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम की मार से ये सारे रॉकेट अपने निशाने से तितर बितर होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में गिर गए।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया कि कम से कम 5 रॉकेट दागे गए, मगर ये साफ नहीं है कि इन सभी को मार गिराया गया। हालांकि उस अधिकारी के मुताबिक अमेरिका को अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को आईएसआईएस खुरासान के 2 टॉप आतंकियों का खात्मा करने के बाद रविवार को अमेरिकी ड्रोन के हमले में काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी इस गाड़ी को उड़ा दिया गया। पेंटागन का कहना है कि इस कार में आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर सवार था। इसका इरादा काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से रवाना हो रहे अमेरिकियों को जाते जाते एक और बड़ी तबाही का शिकार बनाना था। ड्रोन हमले के बाद जहां अफरा तफरी मची थी, वहां अगले सुबह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। سر بمب خودم میخواستم یکم چیزای بود که او را پایین کنم، صدای شواست راکت شد، همسایه چیخش برآمد و بیرون برآمدم که به او کنم مشکلی نبود، من تا شیشای همسایه مایده شده بود از خودم هم. اب افغانستان چھوڑنے کے لیے ودیشیوں کے پاس محض 24 گھنٹے کا وقت ہے، مگر امریکہ اور دوسرے 57 دیشوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی افغانستان سے باہر نکلنے والے ودیشیوں और यात्रा करने के दस्तावेज हासिल कर चुके अफगानियों को सुरक्षित रास्ता देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम देश तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी वो उन आतंकी गुटों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा जो उस पर चोट करने की साजिश करेंगे। यमन, सोमालिया, सीरिया, लीबिया और अब अफगानिस्तान में जहां अमेरिकी फौज नहीं है, वहां भी अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा। जहां तक आईएसआईएस की बात है तो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार का दावा है कि उसके पास अफगानिस्तान से बाहर अमेरिकियों को निशाना बनाने की ताकत नहीं है, कम से कम इस वक्त तो नहीं है। मगर उसके जाते ही अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान कितना ताकतवर होगा और अमेरिका को निशाना बनाएगा या नहीं, ये आशंका अमेरिका को भी सताती रहेगी। काबुल से अहमद नवीद काविश और एजातुल्ला अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। अब अमेरिका के पास काबुल में या अफगानिस्तान में महज 24 घंटे बचे हैं। हर हाल में अमेरिका को 21 अगस्त यानी कल शाम तक अपना मिशन काबुल पूरा कर लेना है, लिहाजा जोर शोर से लोगों को निकालने का काम इस समय चल भी रहा है। तालिबान भी इसी इंतजार में है कि जैसे ही अमेरिका काबुल छोड़ेगा, काबुल एयरपोर्ट को तालिबान अपने कब्जे में ले लेगा और फिर अपने हिसाब से न केवल काबुल में बल्कि अफगानिस्तान में अपनी नीतियों को अमल में लाएगा। इकतीस अगस्त 2021, बस एक दिन बाकी, अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर अपने देश लौटना होगा। आज 30 अगस्त है और कल आखिरी तारीख, इस लिहाज से अमेरिकी सैनिकों के लिए अफगानिस्तान में आज आखिरी वर्किंग डे है, क्योंकि कल उन्हें हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ देना होगा। अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़े इससे पहले की तारीख देख लीजिए। काबुल में आग के गोले उठ रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं, लगता है काबुल जल रहा हो। काबुल में पूरी तरह अराजक मंजर पसरा है, लेकिन इन सब के बावजूद तालिबान ने फरमान सुना दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ना ही होगा, वो यहाँ रुकने की गलती ना करें। اول خب ما باور ایمایی است که امریکای ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنند، به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان میخواهند و از بریتانیا باشه از امریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت میبردند. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان ها حس استقلالیت بکنند، تمام مسائل خودشان حل کرده میتانند.
अमेरिका पर अगर तालिबान दबाव बना रहा है तो प्रेशर मित्र देशों का भी है। देखिए किस तरह एक एक कर अमेरिका के मित्र देशों के सैनिकों ने अपने वतन की राह पकड़ ली। अफगानिस्तान छोड़ने वालों में सबसे आगे रहे ब्रिटेन के जवान। शनिवार को ही ब्रिटिश सैनिकों का पहला जत्था अफगानिस्तान से ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शायर पहुंच गया। इस जत्थे में 16वीं असॉल्ट रेजिमेंट के 256 जवान थे। अगले ही रोज यानी रविवार को ब्रिटिश सैनिकों का एक और दल वहां फंसे लोगों को लेकर ब्रिटेन पहुंच गया। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. ब्रिटिश सैनिकों की तरह जर्मन सैनिकों का आखिरी दस्ता भी वुन्सटॉर्फ के उत्तरी एयरबेस पर लौट आए। ये शनिवार की तस्वीर है जब करीब 5300 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने में मदद करने के बाद जर्मन सैनिकों का दल 3 सैनिक विमानों में भरकर वुन्सटॉर्फ लौट आया। ब्रिटेन और जर्मनी की तरह फ्रांस का आखिरी सैनिक भी कल अपने वतन लौट गया। 3 देशों के सैनिक काबुल छोड़ चुके हैं। अब बारी अमेरिकी सैनिकों की है। अमेरिका के करीब 4000 सैनिक अभी काबुल में हैं, जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद ये पूरा इलाका तालिबान के हाथ में आ जाएगा। तालिबान को भी पता है कि चुनौती बड़ी है। و بازم میگم که ساحه‌ای که انفجار در وجود صورت گرفته ساحه‌ای مربوط به ما نبوده. ما هر ساعت مراقب وضعیت در منطقه مربوط خود هستیم. این انفجار در بین آمریکایی‌های رخ داده که وظیفه امنیت را وادارن که باید وجود امنیت می گرفتن. این اعتبار ما تثبیت کرده نمیتونیم که آیا فرد تیر شده وجود انفجار کرده یا مواد تیر شده انفجار داده شده. این نیاز به تحقیق بیشتر داره. ما کار میکنیم سر موضوع که از قد چیه. ایک تو امریکی سینکوں کے رہتے کابل پر طالبان کا قبضہ اور پھر آئیسیس خراسان کے حملے میں امریکہ کے 13 جوانوں کی موت. 2 ہفتے کے بھیتر ہوئے 2 گھٹنا کرم سے امریکہ سکتے میں ہے. शुरुआती हीला हवाली के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने को तैयार है। तालिबान भी अफगानिस्तान को पूरी तरह कंट्रोल में लेने को बेकरार है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की आम जनता का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।